गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ चैप्टर 8। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है, पेशेंस के साथ समझना है इस टॉपिक को, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो होता क्या। सपोज देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक कर्व की बात करते हैं। अगर हमारे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, कर्व की बात करें, यहाँ पे कोई हमारे पास इंटरवल ए से बी इंटरवल, ठीक है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई एफ ऑफ एक्स। मैक्सिमम मींस इफ वी टेक वैल्यू बिटवीन द इंटरवल, लेट अस टेक एनी पॉइंट एक्स नॉट, इस एक्स नॉट के ऊपर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, मींस एट पॉइंट एक्स नॉट जो आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, एट पॉइंट एक्स नॉट जो आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, दैट ग्रेटर इक्वल एफ ऑफ एक्स आर देयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि इस इंटरवल ए बी की सारी वैल्यूज के लिए जो आपकी एक्स नॉट की वैल्यू है वो ग्रेटर है, इससे मैक्सिमम कोई वैल्यू ना आए। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी चेक कर लो, इसके नेबर में इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जो आपके पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जो पॉइंट एक्स नॉट है उस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो आप कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉइंट आ जाए। क्लियर? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स नॉट अगर ग्रेटर इक्वल एफ ऑफ एक्स आ जाए तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर? अगर हम ग्राफ इस टाइप से नहीं, अगर हमारे पास किसी का ग्राफ ऐसे है, लाइक ये कर रहे आपके पास, और अब हम इस पॉइंट की बात करें एक्स नॉट की, यहाँ पे कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, एक्स नॉट है, तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी जो आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है वो लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स आ गए, जो आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है वो लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स आ गए, देन दिस पॉइंट एक्स नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। यह आपका मिनिमम है, इस पॉइंट के अलावा इस इंटरवल में ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है जहाँ इससे हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लिखने का भी देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी, इस इंटरवल ए बी के अंदर की सारी वैल्यूज के लिए जो आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल आ जाए, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम। क्लियर? अब एक चीज देखो, बड़े ध्यान से देखना, इस पॉइंट से आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ था वो क्या था, ऐसे था फर्स्ट ग्राफ, देखिए फर्स्ट ग्राफ ऐसे था, ये कोई पॉइंट एक्स नॉट है, एक्स नॉट से जो आपका फंक्शन है, ध्यान से देखो ये मैक्सिमम है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, यानी कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाए, डिक्रीजिंग जाए फ्रॉम पॉइंट एक्स नॉट, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और सेम अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाए तब आप क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर? अब इसके ऊपर हम देखते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया उसका कैसे करना है, हमें बाकी क्वेश्चन करेंगे उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करते हैं, लोकल का मीनिंग क्या है, देखिए सपोज ये आपके पास ग्राफ है इस टाइप से, ठीक है, ये आपके पास ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके पास, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट, और ये सारे पॉइंट हैं ऐसे जहाँ पे अगर आप टेंजेंट लें तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए, देखो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये जो टेंजेंट है एक्स के पैरेलल है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो किसके पैरेलल है, एक्स के, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ किसके पैरेलल है, एक्स के, ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्स, तो आपके पास ये पॉइंट्स क्या रहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, ये जैसे
आपने यहाँ पे लिया x1 माइनस एच और ये क्या लिया x1 प्लस एच। तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, अगर ये पॉइंट जो है इन पॉइंट्स में इस जो लोकेशन है, ये जो लोकल इंटरवल है, हमने पूरा इंटरवल भी लिया, ये जो लोकल इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर जो f ऑफ x1 है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, जो आपका f ऑफ x1 है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? इस पॉइंट पे, इस इंटरवल में हमने लोकल, इसके आसपास की लोकेशन पे चेक किया, हमें उसके नेबरहुड में ही चेक करते हैं। लोकल का मीनिंग क्या है? लोकल जो हमारे आसपास रहते हैं, तो हमने ये पूरा भी ये है इस पॉइंट के आसपास चेक करना है कि आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू टेक कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू टेक कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम। सेम प्रोसेस है लोकल मिनिमम, बिल्कुल सेम। अब अगर किसी, कई बार हमारे पास ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं होती, स्टेशनरी आ जाता है, ठीक है, तो उसकी बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम करना है। आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे हम इसको, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है और वहाँ से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है या 2 मार्क्स का, अगर आपको 2 वैल्यूज पूछनी तो 2 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्या क्या हमारे पास, देखते हैं। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है हमें। आपके पास क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान से समझना है। आपने क्वेश्चन साथ साथ करे थे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3, फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3। अब लोकल मैक्सिमा आपको 4 पॉइंट्स बता रही हूँ मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर? स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास, आपने क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसे 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमारे पास, वो आ गया आपके पास 2x, एक्स क्यूब है 3x² - 3। क्लियर? आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, आपने यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखा, x² - 1 + 0, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। एंड दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। स्टेप सेकंड क्या है आपके पास? स्टेप सेकंड टू फाइंड लोकेट एक्सट्रीम वैल्यू। तो आपके पास ये क्रिटिकल वैल्यूज कह सकते हो आप इसको, ये वैल्यूज आ गई। अब आपने थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं? इन वैल्यूज को ऐसे एक नंबर लाइन के ऊपर आपने करना है -1, 1। आपके पास सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई, आपने उन्हें ऐसे नंबर लाइन के ऊपर चेक करना है। फिर आपने क्या करना है? यहाँ पे फंक्शन का जो आपका डेरिवेटिव है उसका आपने साइन चेक करना है। डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, ठीक है। साइन कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव से। आपके पास सबसे पहले क्या है? -1 से लेस ले लें। -1 से लेस की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम -2 ले लेते हैं, -2 को आप यहाँ पे करें, -2 फिर कितना रहेगा? 4, 4 थ्री जो 12, 12 - 3 क्या आएगा? 9। तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? प्लस। क्लियर? अब -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 0 ले लेते हैं। आपने यहाँ पे 0 किया तो क्या आ गई वैल्यू? नेगेटिव, ठीक है। फिर 1 से ग्रेटर के लिए ले लेते हैं, 1 से ग्रेटर 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 = 12, 12 - 3
माइनस जे प्लस से चेंज हो रहा है, चेंजेस साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, किस पॉइंट के आसपास जो डेरिवेटिव है वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। एट दिस पॉइंट आर फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? माइनस वन पे। अगर आपको पढ़ना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपने अपने फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को पुट कर देना है। आपने अपने फंक्शन के अंदर इस पॉइंट को पुट करना है। माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस थ्री, यानी कि आपके पास जो फाइव है वो क्या आ गई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आपके पास फाइव क्या आ गई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टेप्स क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जीरो के इक्वल किया, आपने जो क्रिटिकल वैल्यूज को लोकेट किया, आपने भी वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन चेक करे। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ। अगर आपके पास दोबारा से लिखना, इफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फंक्शन इज है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे वन के ऊपर जो आपका फंक्शन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। एट वन जो फंक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो आपके पास वन क्या आएगा? आपके पास लोकल मिनिमा आ गया एट एक्स इक्वल टू वन, लोकल मिनिमा आ गया एट एक्स इक्वल टू वन, और आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? वन पुट करो, वन माइनस थ्री प्लस थ्री, यानी कि आपके पास क्या आ गई? लोकल मिनिमम वैल्यू वन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने ऐसे अपने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, नंबर डाली पे अरेंज किया, आपका डेरिवेटिव का आपने यहाँ से डेरिवेटिव के साइन चेक करने की कैसे चेंज हो रही है। अगर डेरिवेटिव प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है, तो वो आपका लोकल मैक्सिमम है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो वो आपका लोकल मिनिमम। क्लियर? आपने सबसे पहले इस क्लास में आपने ये समझना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमेशा डायरेक्ट करके देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, क्या रहेगा? थ्री इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर एज इट इज, प्लस एक्स माइनस टू का क्यूब, टू इंटू एक्स माइनस टू, कॉमन ले लेते हैं कुछ, एक्स माइनस टू का स्क्वेयर, एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस नाइन, थ्री एक्स माइनस नाइन, और यहाँ से क्या आएगा? एक्स माइनस प्लस हो गया टू एक्स माइनस फोर। आपके पास आ गया एक्स माइनस टू प्लस स्क्वेयर, एक्स माइनस थ्री, फाइव एक्स माइनस थर्टी। आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए? टू थर्टी, थर्टीन बाई फाइव,
प्लस अब 2.6 से 3 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, से 2.7 लिया हमने, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे 2.7 लेने को माइनस आएगा, 2.7 इंटू 5 13.5 में से यहाँ करेंगे तो प्लस है, आपके पास में बन के आ गया माइनस। आपने चेक कर लिया प्रॉपर कि प्लस का सही आ रहा है माइनस का आ रहा है। अब देखते हैं आफ्टर शेष चेंजेस इन साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट पॉइंट 2 के लेबर में जो फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन हम कैसे चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, सो फंक्शन इज हैविंग लोकल मिनिमा एट पॉइंट 2, लोकल मिनिमा एट पॉइंट 2 एंड हियर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट 2.6। और 3 से ग्रेटर तो हमने चेक ही नहीं किया, 3 से ग्रेटर से छोड़ ले लो, ये भी प्लस ये भी प्लस, और 8.3 माइनस से प्लस तो यहाँ पे भी क्या रहेगा लोकल मिनिमम। तो आपने जिन जिन पॉइंट पे लोकल मिनिमा निकाला उन पॉइंट को यहाँ पे जब करेंगे तो वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जिन पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा निकाला उन पॉइंट को पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आपने इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपने क्वेश्चन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करनी है। बाकी हम इसके क्वेश्चन कुछ और भी डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अभी सिर्फ आपने इस क्लास से इसका सिर्फ कंसेप्ट समझना है और जो दो क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए आपने वही दो क्वेश्चन ट्राई करने। क्लियर?